5 बजे, शाम को 5 बजे आप लोगों को मैं पिज्जा बना के दिखाऊंगी। नॉर्मल सब पिज्जा घर पर जैसे ड्राई घर पे आप आसानी से बना सकते हैं बिना ओवन के ताव पे। तो फ्रेंड मैं आ गया पिज्जा दिखाने के लिए। तो मैं वो पिज्जा का ब्रेड लिया, आप देखिए दिखाया आपको। तो क्या क्या चाहिए देखिए, कॉर्न, स्वीट कॉर्न, पनीर, कैप्सिकम, टमेटो और प्याज सब मैं क्यूब करके काट लिया। और चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, चीज़, टोमेटो सॉस थोड़ा सा और थोड़ा सा पिज्जा टॉपिंग सॉस। तो चलिए फिर देखते हैं। पहले हम कढ़ाई को पैन को गरम करने दे दूंगी, फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी। इजी फ्रेंड बनाने में, कोई तामझाम नहीं, आप फटाफट बना सकते। सिर्फ आपके पास इंग्रेडिएंट होना ज़रूरी है, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा में बढ़िया पिज्जा बना सकते घर पर। ऑयल को गर्म कर लिया मैं, एक एक करके वेजिटेबल सब हल्का सा फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा नहीं। अब मैं प्याज को डाल दिया, देख सकती हैं प्याज, कैप्सिकम, टमेटो, ये पनीर और ये स्वीट कॉर्न। तो मैं सबको एक साथ ही डाल दिया, एक साथ ही मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा सॉल्ट डाल के। मैं टेस्ट अनुसार मैं जितना ज़रूरी है उतना ही सॉल्ट डाल दूँगी। तो आप देख लिया, शाम के टाइम अगर आपको पिज्जा खाने मन करे तो इजीली आप बना सकते हैं फटाफट। यह स्वीटली थोड़ा सा डाल दिया मैंने, मैं घर पे ही बनाया था, अरे तो खरीदे हुए हैं। चिली फ्लेक्स को बनाना इजी है, हल्का सा आप चिली को गर्म कीजिए, मिक्सर में पूरा नहीं हल्का सा ग्राइंड कर लेना है बस, तो चिली फ्लेक्स बन जाएगा। मैं सब मिक्स करके फ्राई कर लिया। मैं डाल दिया, कम हो गया था तो इसलिए थोड़ा थोड़ा और डाल दिया। आप जब बनाएंगे आपका हिसाब से आप बना दिए मैंने डाल सकते मैनेज करके। तो मैं अब हेलो तवा दे दिया, फिर मेरा तो वेजिटेबल फ्राई हो गया, अभी तवा दे दिया। ताव के ऊपर मैं अभी पैन सेक लूंगी ब्रेड को, अच्छे से ब्रेड को सेक लूंगी, क्योंकि जब मैंने बेक करूंगी तब तो पूरा बेक नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सेक लूंगी तो अच्छा होगा। अभी गरम हो रहा है पिज्जा ब्रेड, अभी अभी मैं ताव को दे या ना, ताव भी गरम होने लेट हो रहे इसलिए भी। तो अब मैं एक तावा के ऊपर पैन को रख दिया, कढ़ाई को रख दिया, अब ये गरम होगा। अब मैं पिज्जा बेस तैयार करता हूँ उसे, आप देख लीजिए। ये मैंने सॉस डाल दिया, एक स्पून टोमेटो सॉस डाल दिया और अभी पिज्जा बेस और टॉपिंग सॉस मैं डाल दूंगी, ये वाला इम्पोर्टेंट ज़्यादा है।
में आपको पिज्जा का फ्लेवर टेस्ट लेके आएगा। तो मैं अच्छे से पिज्जा ब्रेड को उसके ऊपर लगा दिया। अभी जो मैं वेजिटेबल फ्राई करके लिया था हल्का सा, मैं उसे उसके ऊपर सब धीरे धीरे अच्छे से दे दूंगी। वो मेरा मिस्टेक हो गया था कि टोमेटो के ऊपर थोड़ा चीज देना चाहिए था, तो मैं कद्दूकस करके फिर डाल दीजिए थोड़ा, फिर उसके ऊपर मैं वेजिटेबल डालूंगी। मेरे को वो कढ़ाई में ज़्यादा पूरा बेक नहीं होगा, इसलिए अगर आपको माइक्रोवेव में करना है तो आप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइक्रोवेव में तो बेक हो ही जाता है। और मैं पैन में दिखा रहा हूँ तो थोड़ा मेरे को फ्राई करना पड़ा कि उसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा, इसीलिए। आप नॉर्मली जब घर पे पिज्ज़ा ट्राई करेंगे ना, तो उसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। ज़्यादातर लोग जानते हैं पिज्ज़ा बनाने, जो लोग नहीं जानते वो लोग देख के ज़रूर ट्राई कीजिए, या जो जानते हैं वो भी देख लीजिए मैं कैसा बनाया। ये मैं ओरिगेनो चिली फ्लेक्स उसके ऊपर से डाल दिया। अभी चीज़ को मैं कद्दूकस करके पूरा डाल दूँगी। शूट करने से टाइम मेरा कैमरा उल्टा पकड़ा गया, पता नहीं पिक्चर पूरा ये नहीं आया। तो चलिए मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगी, नया नया है तो थोड़ा मिस्टेक हो जाएंगे, हो जाता है, माफ़ कर दीजिएगा। अभी आप चीज़ जितना डालेंगे उतना ही अच्छा होगा, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं डाला, बस मीडियम ही डाला है, बोलिए बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। तो अब मैं पिज्जा को कढ़ाई में डाल दिया, फिर मैं ढक दूंगी उसे। धीरे धीरे पूरा चीज मेल्ट हो जाएगा और मेरा पिज्जा बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए जो मैं चीज कद्दूकस करके दिया था वो मेल्ट हो गया धीरे धीरे, इतना अच्छा दिख रहा है। अभी मैं प्लेटिंग कर लूंगी, प्लेट में मैं पिज्जा को डाल दिया। ये देखिए सुंदर बन गया। थैंक्स रेस्टोरेंट जैसा पिज्जा बन के रेडी। तो प्लीज ट्राई कीजिए।